हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ कॉमर्स के बारे में जानेंगे और इसके हर एक टाइप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये एक बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो जाके आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ पर कॉमर्स मेनली दो टाइप का होता है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। और ट्रेड को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड का भी दो टाइप होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड में हमें तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। और अगर एड्स टू ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल पाँच तरह के एड्स टू ट्रेड देखने को मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। अब ब्रीफली हर एक टाइप के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में। तो कोई भी बायर जब कोई कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस सेल करता है तो वहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसे हम ट्रेड कहते हैं। यानी कि बायर और सेलर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इसे ट्रेड कहा जाता है। और अगर एड्स टू ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर बायर सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन यानी कि जो एक्सचेंज होता है गुड और सर्विसेज का, इस प्रोसेस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है उसे हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। जैसे कि सपोज बायर अगर कोई फर्नीचर को सेल कर रहा है इंडियन कस्टमर को, तो वहाँ पर वो फर्नीचर को सेफली अपने कंट्री से इंडिया तक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बायर को। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी परफॉर्म होता है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया वन टाइप ऑफ ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह और बैंकिंग का भी हेल्प होता है पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग ये सभी हो गए एड्स टू ट्रेड। अब अगर ट्रेड के दो टाइप की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड निकल के आता है। अब अगर इंटरनल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है ये विद इन ए कंट्री के बैरियर के अंदर ही होता है। यानी कि जो बायर और सेलर रहता है वो कंट्री के अंदर ही डील करते हैं और पूरा का पूरा डील कंट्री के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर ये जो ट्रेड होता है यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। यानी कि जो बायर और सेलर होता है वो दोनों एक सेम कंट्री के नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो पूरा प्रोसेस है वो फंक्शन करते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब अगर होलसेल ट्रेड की बात करें तो इस वाले प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी यानी कि कोई भी रिसेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है और रिसेलर के थ्रू वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचता है। तो यहाँ पर जो रिसेलर होता है ये बीच में एजेंट का काम भी करता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर रीसेलर को सेल करता है वहाँ पर एक दो प्रोडक्ट नहीं होते, यहाँ पर लॉट में प्रोडक्ट को भेजा जाता है। और वहीं अगर रिटेल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट कंज्यूमर अपने बायर तक प्रोडक्ट सेल करता है और यहाँ पर कोई भी लॉट में प्रोडक्ट सेल नहीं होता, यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अब अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर हमें तीन टाइप देखने को मिलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड। अब अगर एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री के कंज्यूमर तक पहुँचाता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर किसी फॉरेन कंट्री के कंज्यूमर तक सेल करता है। सपोज कोई टी मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया से बैठ के यूएस के कोई कंज्यूमर तक अपना टी को एक्सपोर्ट करता है और यूएस का जो कंज्यूमर है वो उसी प्रोडक्ट को अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो एज ए एक्सपोर्टर का रोल प्ले कर रहा है और जो फॉरेन का बायर है वो इंपोर्टर का रोल प्ले करेगा। और वहीं अगर इंपोर्ट ट्रेड की बात करें तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड का ठीक उल्टा वर्सन है। यहाँ पर जो सेलर होता है वो बाहर के किसी कंज्यूमर से प्रोडक्ट को बाई करता है और फॉरेन का जो कंज्यूमर होता है वो अपने कंट्री से उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाता है और जो बायर है यानी कि जो कंज्यूमर है वो उसी प्रोडक्ट को अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है। और अगर री एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो इसे हम एंट्री पोर्ट ट्रेड भी कहते हैं और यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ एंगेज रहते हैं इस वाले प्रोसेस के अंदर।
सपोज अगर हम कोई इंडियन रीसेलर की बात करें तो वो यहाँ पर चाइनीज किसी मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा है और वहाँ से वो इम्पोर्ट करवा रहा है कोई भी प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांडिंग करके या सो उसी सेम ब्रांडिंग के ऊपर ही उसको वो यूएस के किसी कस्टमर को सेल करेगा। तो यहाँ पर ये चाइना से पहले वो इम्पोर्ट करवा रहा है और उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेगा यूएस तक, तो ये हो गया री एक्सपोर्ट ट्रेड। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम एक्सपोर्ट का प्रोसेस रनिंग होता है तो इसीलिए हम इसको री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। अब जानते हैं एड्स टू ट्रेड के टाइप्स के बारे में। तो पहला जो टाइप है वह है वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को फुल्ली कंप्लीट होने में, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद ही सेल नहीं करते, वो कुछ टाइम तक वेट करते हैं उसका अच्छे से अच्छा प्राइस मिलने तक का। क्योंकि अगर उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो वो उसे सेल नहीं करते, तो इसी टाइम पे वेयर हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इसके अगले टाइप की बात करें तो वो है बैंकिंग। तो यहाँ पर मल्टीपल्स कंट्रीज़ के अंदर जब कोई ट्रेड होता है, यानी कि कोई अगर ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर मल्टीपल कंट्री के जो करेंसी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते थे, तो यहाँ पर जो बैंकिंग है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुल्ली उस ट्रांजैक्शन को कम्प्लीट करने में। उसके बाद का जो टाइप है वो है इंश्योरेंस का। सपोज़ अगर कोई बिजनेसमैन अपने कोई प्रोडक्ट को किसी बाहर के कंट्री में सेल करता है तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेंड करते टाइम, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ताकि ख़राब ना हो जाए तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसके ऊपर एक इंश्योरेंस फाइल करता है ताकि अगर बाई चांस उसका कोई नुकसान होता है तो वहाँ पर वो कुछ हद तक उसको रिकवर कर सकता है इंश्योरेंस के अमाउंट से। अब यहाँ पर जो अगला टाइप है वो है एडवर्टाइजिंग का। तो यहाँ पर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो अगर इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहता है तो यहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडियम यहाँ पर उसको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट सेल करते टाइम, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो अपने बायर्स को फीचर्स और ब्रांडिंग जो होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है ताकि जो बायर्स है वो फुल्ली अंडरस्टैंडिंग बना पाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने कॉमर्स के टाइप्स के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।